वैशाली जिले के हाजीपुर में शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले बिहार सरकार के द्वारा आयोजित मानव श्रृंखला का विरोध किया। वहीं जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के समर्थन में हाजीपुर के संघ भवन के साथ साथ कई सार्वजनिक जगहों पर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर संघर्ष समन्वय समिति के पंकज कुशवाहा, नवनीत कुमार, रविंद्र कुमार, प्राथमिक शिक्षक संघ के राजेंद्र राय समेत दर्जनों की संख्या में शिक्षक शामिल थे। राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। जागरूकता लाने के लिए हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। कितने जगह पर आप लोग? ऐसे तो हम लोग हर प्राथमिक विद्यालय में लगभग 4-5 पौधे का रोपण किए हैं। साथ ही विभिन्न स्थानों पर जो जिला मुख्यालय में विभिन्न स्थान, जैसे कि हमारा संघ भवन है कचहरी मैदान के बगल में, वहाँ रोपे हैं, गंडक कॉलोनी में रोपे हैं, और यहाँ पे ये पार्क जो है गांधी आश्रम का, इस गांधी आश्रम परिसर में हम लोगों ने पौधारोपण किया है। हम लोग का विरोध है कि जो करोड़ों रुपया खर्च करके मानव श्रृंखला बनाकर जो चेहरा चमकाने का जो ये सरकार का जो ये चल रहा है योजना, ये कहीं से जायज नहीं है। अगर इस जगह पर करोड़ों रुपया का पौधा अगर लगाया जाता तो सही में जल जीवन हरियाली में सार्थक कदम होता। मेरा नाम नवनीत कुमार, ससंयोजक जिला संघर्ष समन्वय समिति वैशाली। और तदुपरांत सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण हम लोगों ने किया है और यह क्रम अब चलता रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने सरकार के जन विरोधी कार्यों का विरोध करना शुरू किया है और ये तब तक हम लोग करेंगे जब तक कि समान काम का समान वेतन लागू नहीं होता। एक विद्यालय में दो तरह के वेतन नहीं चलेंगे। जब देश में एक विधान एक संविधान चलेगा तो विद्यालय में भी एक वेतन और एक वेतनमान चलेगा, और यह जब तक हम लोग प्राप्त नहीं करते हैं तब तक हमारा आंदोलन और तेज होगा और इसको लागू कराने के लिए सरकार पर हम निरंतर दबाव बनाएंगे।